निर्वाणा में किसानों ने धान की खरीद नहीं किए जाने के कारण अनाज मंडी के गेट को ताला लगा दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि पिछले 2 सप्ताह से वो अपनी फसल लेकर बैठे हैं, लेकिन सरकार खरीद नहीं कर रही। किसानों ने जल्द खरीद ना किए जाने पर रोड जाम करने की चेतावनी दी, जिसके बाद आनन फानन में खरीद शुरू करवाएगी। गांव सच्चा खेड़ा से हूँ जी। 17 तारीख से हमने जीरी की फसल इधर मंडी में ला रखी है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से मिले, उन्होंने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। फटवारे से मिले, उन्होंने भी हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं करी। SDM से मिले, SDM ने भी हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं करी। और हम कम से कम 12-13 दिन से इधर बैठे हैं। हम इतने परेशान हो रहे हैं इससे ज़्यादा। कम से कम हमारी सूखी फसल है, जो कम से कम हो तो खरीदी जाए। सारे मंडी के गेट हमको बंद कर रखे हैं, हम सारे किसान बटले हो रहे हैं। खेल हो रहे क्या? हम रोड जाम करेंगे। और क्या आप आगे कार्रवाई करोगे? क्या विरोध जता रहे हो आप? किस तरह से विरोध जताओगे? हम आत्महत्या भी करने को तैयार हो रहे हैं, इतने ही तंग हो रहे हैं। ऊपर से मौसम खराब हो रहा है, फसल गिरने लग रही है, वहाँ भी निष्कान है और मंडियों में भी निष्कान है। हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उधर किसानों द्वारा ताला लगाए जाने की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में धान की खरीद शुरू करवा दी। साथ ही लापरवाही बरतने पर DFSC और हैफ्ड को मार्केट कमेटी ने नोटिस जारी कर खरीद में देरी का कारण पूछा। परचेज सरकार की 26 तारीख से 27 तारीख से सरकार की परचेज स्टार्ट हुई थी, तो 27 को हमारी प्रॉपर परचेज हुई। 27 को सिर्फ वही माल बचा था जिसमें 17 से ज्यादा मॉइस्चर था, और जिस हिसाब से हमारी बोली स्टार्ट हो गई थी, हमारी करीबन 12 बजे 27 तारीख को जो हमारी बोली स्टार्ट हुई थी, उसके बाद स्टाफ ने अच्छी तरह काम किया, तो 6 बजे तक उन्होंने काम किया। उसके बाद फिर वही अंधेरा हो गया और उससे ज़्यादा परचेज कर नहीं पाए। कल DFSC की परचेज नहीं हो पाई थी, तो उनसे हमारी रेगुलर बात हो रही थी, तो उन्होंने हमें बताया था कि मिलों का कुछ झगड़ा है, लेकिन हमने DFSC को और हैफेड को दोनों को नोटिस इशू कर दिए हैं कि भाई आपकी परचेज प्रॉपर होनी चाहिए। दोनों को नोटिस इशू कर दिए गए। एक्शन वो हमारे लाइसेंसी होते हैं, वो हमें जवाब देंगे कि भाई आपने क्यों नहीं, किस वजह से परचेज नहीं कर पाए आप। नरवाना से जाट TV न्यूज़ के लिए गुलशन चावला की रिपोर्ट।